करनाल के हाईवे पर पक्के पुल के समीप आवर्धन नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। गोताखोरों ने जानकारी देते हुए बताया है कि आवर्धन नहर में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसके उपरांत पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पक्के पुल के समीप जो नहर है उसमें एक व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है, जिसके उपरांत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में भेज दी गई है, जहां पर इसको 72 घंटे के लिए शनाख्त के लिए रखा जाएगा, ताकि इस व्यक्ति के शव की शनाख्त हो सके। अगर 72 घंटे के अंदर इसकी शनाख्त नहीं हो पाए तो आवश्यक दस्तावेज एवं शव की निशानी पुलिस अपने पास रखकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। यहां हम आपको बता दें कि आवर्धन नहर में आए दिन कोई न कोई शव मिलता रहता है। पहले भी कई बार यहां पर शव मिलते हैं जिनको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला जाता है और आवश्यक कार्रवाई कर शनाख्त के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया जाता है, ताकि इनके परिजन शव की पहचान कर सके। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए शनाख्त हेतु कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा, ताकि डेड बॉडी के ऊपर कोई चोट के निशान या अन्य कोई निशान है तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया जा सके। मैं भी डेड बॉडी निकालते तो पीछे डेड बॉडी आई थी सुबह कोई 9-10 बजे की बात हो रखी है जी, तो पीछे से आ जाओ, हमें पीछे ही बांध दिए डेड बॉडी। कल भी आई थी डेड बॉडी, एक सुबह गई आई थी डेड बॉडी। पहले भी आती रहती है, सुबह भी गई 7 बजे डेड बॉडी जी लगाई गई थी। वो तो फिर मगर ज़्यादा ठंड थी, कुत्ते ने अभी करके मगर कोई आएगा तो नहीं लेके जाएगा, तो ये निकाल लिया सुबह। तो फिर पता नहीं आज देखो क्या होगा इसका, अब इसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे पुलिस वाले। कितने दिन पुरानी लग रही है ये? तो कोई 10-15 दिन पुरानी है। सर मेरा पानी का बहाव हो गया कम, तो इसमें आती रहती है अक्सर, यहाँ जाके ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पब्लिक का जैसे आना जाना है, यहाँ देख ली पब्लिक, देख ली पीछे कोई पब्लिक का ज़्यादा नहर के आसपास को जाना जाना नहीं, इसलिए वहाँ नहीं देखता कोई। तो गोताखोर निकाल रहे हैं डेड बॉडी? हाँ गोताखोर निकाल रहे हैं। तो कहाँ रखा जाएगा ये? अपना डेड हाउस कल्पना चावला रखा जाएगा। कब तक ये? अपना 72 घंटे के लिए रखा जाएगा जी। अगर 72 घंटे के अंदर शनाख्त हो जाती है तो फिर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, अगर 72 घंटे के बाद भी होती है तो फिर पोस्टमार्टम करा कर अपना उसके कमेटी को। आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।